सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात 8 बजे आज आपके पास कुछ चिंताजनक बात के साथ। करते हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ शुरुआत। ऐसे ही जब भी किसे मिले जय जिनेंद्र के साथ ही शुरुआत करें, पर आज कुछ ऐसा हो गया है। हम कहते हैं दिगंबर और श्वेतंबर, हम आपस में लड़ते रहते हैं, मैं तू तू करते रहते हैं, पर जब दिगंबर साधु में लड़ाई हो जाए, श्वेतंबर साधु और श्वेतंबर साधु में लड़ाई हो जाए, आप लड़ाई कहें या कोई भी कहें, एक दूसरे पर हमला कहें, बात की बात कहें या कुछ भी कहें, विचारों का मंथन कहें, विचारों का चिंतन कहें या मतभेद और मनभेद कहें, यह आपके ऊपर है कहने का। पर आज वही आपके सामने लेकर आए हैं, चिंतन का विषय है। आज आवाज़ देनी है जैन समाज एक होने की, हमें एक होना होगा, पर उसके बीच में आप हमारी फोटो लगाते हैं, कितनी शर्म वाली बात है कि कोई भी आपने लिया और जहां मर्जी ठुका दी, कमजोर विल वाले मत देखें, और फोटो हमारी जैसे लगता है कि वीडियो जैसे हमने बनाया है, स्पष्ट कर दें इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, और जिसने बनाया है उसे सार्वजनिक करना चाहिए और इस तरह से फोटो का या हमारे उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समाज की बात है पर तो इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं। इस पोस्ट के अंदर आप ये लिखते हो, नाक कट जाती है, शर्म आ जाती है, डूब मरने वाली बात हो जाती है कि अंदर ये लिखा है बाहर थोपड़ा हमारा लग रहा है, लगता है कैसे कैसे लोगों और कितनी गंदी बात करके कहां का क्या इस्तेमाल करते हो। अरे कट पेस्ट करो तो अच्छा अच्छा पेस्ट करो भाई, गलत गलत लेके पेस्ट करके किसी का अपना नाम बनाने के लिए दूसरे को मत घेरो, लकीर अपनी ऊंची खींचो, क्योंकि इसमें कहा किया जा रहा है यह भी और डूब मरने वाली बात है। सुने क्या इसके अंदर दिखाया गया है। दुनिया का सबसे धोखेबाज व्यक्तित्व है तो वो है आचार्य विद्यासागर। धोखेबाज में पहले देखो आप कितने अक्षर हैं, सिर्फ उसमें 4 हैं। हाँ, तो आज का जो यह वीडियो है बहुत चिंतनीय है, शोचनीय है, समझने वाला है, चिंतन करने वाला है। हमारे मन भेद हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं। लोग कहते हैं मतभेद थोड़ा हो जाए पर मनों में भेद नहीं आना चाहिए, पर आज क्या हो रहा है, एक दिगंबर साधु दूसरे दिगंबर साधु या दिगंबर दूसरी परंपरा पर बहुत ज़्यादा छींटाकशी कर रहे हैं, और फिर उधर से जवाब आता है, किसी तीसरे का जवाब आता है, बहुत अच्छी तरह कटाक्ष के रूप में आता है। इसी तरह श्वेतंबर साधुओं के अंदर भी एक कुछ टिप्पणी करते हैं, दूसरे उसका स्पष्टीकरण करते हैं, आज हम आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। यानी कल श्वेतंबर दिगंबर कहते थे, आज दिगंबर और श्वेतंबर साधु लड़ रहे हैं, बहुत खतरनाक बात है ये समझने वाली, और सभी सार्वजनिक मंचों पर लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन आज हमको आपको दोनों के पक्ष दिखाने को मजबूर होना पड़ा है। कारण हमारी भी फोटो लगी है और दिगंबर संतों का अपमान हो रहा है, इसलिए आपको स्पष्टीकरण करने के लिए सुनिए, जरा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, क्या हो रहा है ये आज दिगंबर और श्वेतंबर जैन समाज में आने वाले इन 10 मिनट। दुनिया में कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे बंधुओं जिन्होंने साक्षात अपने बतों में दोष लगाया, उनका दोष जग जाहिर रहा, दुनिया जानती थी कि ये साधु शुद्ध भंगी है, ये साधु शुद्ध भंगी है, उसके बाद भी उसको उदक चंदन तंदुल पुष्प कई कह के तुमने अर्घ चढ़ा करके जैन धर्म कितना मटिया मेट कर दिया। पूरे जैन धर्म की उस संप्रदा में, उस संस्कृति में, उस समर संस्कृति में कैसे कैसे गृहस्थों ने धीरे धीरे करके आग लगा दी। तुम्हें दया भी नहीं आई, तुमने पूरा मार्ग मोड़ दिया, पूरे मार्ग को मोड़ करके तुम अपने उस ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट होने के बाद भी आज सिंहासन में बैठते हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको अधिकार क्या था उस पटिया में बैठ करके और दूसरों को धर्म का उपदेश देने का? लेकिन ऐसा किया लोगों ने, आप लोग भी देखते हैं ऐसे लोगों को साफ साफ, और वो भी भ्रष्ट है, और पूरी की पूरी उस साधु की परंपरा भी भ्रष्टों की परंपरा में, और वो भी भ्रष्ट है, और पूरी की पूरी उस साधु की परंपरा भी भ्रष्टों की परंपरा में आती। दिगंबर जैन व्यक्ति है। अब देखो ना, दिगंबर साधु ही दिगंबर साधु के बारे में कैसा कैसा बोल रहे हैं, कैसा कैसा बोल रहे हैं। दिगंबर साधु भी दिगंबर साधु की दुश्मन है, दूसरे कोई दुश्मन नहीं, हमारे अपने ही, हमारे अपने आगे। और व्हाट्सएप अब दुनिया भर के, अब तो मैं देखता ही नहीं हूँ, कल ही महासम ने बताया एक ऐसा ऐसा वीडियो चलाओ, एक मूर्ख साधु कैसा, तू ज्ञानी साधु है कैसा, तू विद्वान है कैसा, तू कुएं का पानी छान कर पीता है, कुएं का पानी छान करके पीने के बाद तेरे मन में इतनी गंदगी भरी गुरुओं के प्रति, साधुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति, तू उस दिगंबर साधु के नाम पर कलंक है कलंक। यदि तू इतने अच्छे संत का शिष्य होकर के यदि तुम दूसरे साधुओं के बारे में इस प्रकार के तुम
वॉमिटिंग कर रहे, उल्टी कर रहे हो, तो ऐसे साधुओं को तो उस व्यास पीठ पर बैठना ही नहीं चाहिए। दुनिया को मत देखो, खुद अपने गृहवान में झांक के देखो तुम कितने पर। ध्यान रखना, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भोगने को। रोज पढ़ते हैं साधु सामायिक पाठ में, स्वयं कर्तर्म कर्म यदात्मनापुरा फलम तदीयम लब। ये सब दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं, खुद को पढ़ने के लिए और खुद को सुधारने के लिए हैं। निवेदन कर रहा हूं, दिगंबर के दुश्मन दिगंबर ही हैं, श्वेतंबर मुसलमान हिंदू नहीं हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, पंच गुरु भक्ति में पंच परमात्मा को नमस्कार किया गया है, और यदि हम उसके बावजूद भी इस मुद्रा को इस पहली बात को चार्य चक्रवर्ती गुरुदेव शांति सागर जी महाराज सामने इतना बड़ा उपकार किया साधु समाज के ऊपर, अन्यथा ये मुनि परंपरा इक्के दुक्के साधु देखने को मिलते, यदि चारित्र चक्रवर्ती दबंग टूप के आगे नहीं आते, उत्तर भारत में विचरण नहीं करते, तो दिगंबर साधु ऐसे दिखते खद्योत्वज जैसे जुगनू कभी कभी कहीं कहीं दिखता है, उसी प्रकार दिगंबर साधु भी जुगनू की तरह टिमटिमाते दिखते। यदि यहां साधु का इतना बाहुल्य देखने को मिल रहा है, तो इसमें चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज साहब का ही पूरा आशीर्वाद और पूरी दिगंबर जैन समाज के पास इतना बड़ा उपकार, चारित्र चक्रवर्ती ही संत है। ऐसे मूर्ख यदि साधु उस समय भी होते तो उनमें भी 10 कमियां निकाल देते। एक शिष्य गलती करता है बंधुओं, तो उस गलत किए उस शिष्य का कोई अपराध हो गया, शिष्य ने किसी भी प्रकार के ब्रह्मचर्य को दूषित कर दिया, उसके आचार्य के पास ताकत है छेदोपस्थापना चारित्र के माध्यम से उसको दंडित करके और वो अपने शिष्य को सन्मार्ग में स्थापित कर सकता है। लेकिन अगर एक आचार्य भ्रष्ट हो गया, आचार्य ने अगर मान लीजिए अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया है, तो वो उसके शिष्य परंपरा में कितनी भी उत्कृष्ट चर्या करने वाले और शुद्ध तपस्वी जन भी क्यों ना हो, वे सबके सब भ्रष्टों की श्रेणी में आते हैं। और भ्रष्टों की श्रेणी में इसलिए आते हैं कि वे जानते हैं कि हमारे गुरु भ्रष्ट हैं, उसके बाद भी गुरु के नाम का जयकारा मुंह से लगाते हैं और फिर बोलते हैं ये तो हमारी बहुत अच्छी परंपरा आश परंपरा चली आ रही है, ये भ्रष्टाचार जिन शासन में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, तनिक भी नहीं है। लेकिन हम पंचम काल के शावक पचा गए वो बात, अपराध भी किया, किताबों में बड़ा बड़ा छपा भी, उसके बाद भी हाँ तुम भी रेवड़ी थोड़ी सी खा लो, तुम भी रेवड़ी खा लो, तुम भी रेवड़ी खा लो, सबको रेवड़ी भी खिलाई और आज फिर उदक चंदन करके आप अपने सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। बंधुओं मान के चलिएगा, शिष्य गलती करे तो आचार सुधार देगा, लेकिन अगर आचार्य ने गलती कर दी है तो जब तक लोक के चित्त की शुद्धि ना हो जाए, जब तक जग जाहिर होकर के वो इस बात को कहना दे कि हमसे चारित्र मोहनी कर्म के उदय के कारण इस तरीके का अपराध हो गया था, मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करता हूं, जनता के सामने स्वीकार करना पड़ता है, ना हो तो उस सदी में उस समय में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य महाराज होते हैं, जिनकी तपस्या जिनका ब्रह्मचर्य विश्व विख्यात होता है, उनके पास जाता है वो आचार्य, वहां पे जाकर के माफी मांगता है, क्षमा मांगता है और बोलता है कि मुझसे चारित्र मोहनी कर्म का ऐसा तीव्र आवेग आया महाराज, क्या करूं, मेरी ऐसी कसाय तीव्र हो गई और मुझसे इस तरीके का अपराध हो गया। एक कुल्हाड़ी किसी वृक्ष को काट रही थी, एक कुल्हाड़ी किसी वृक्ष को काट, वृक्ष भी चीख रहा था, कस कस की आवाजें आ रही थी, वहीं से मैं निकल रहा था, मैं खड़ा हो गया, हमने वृक्ष कहे वृक्ष महाराज कुल्हाड़ी की चोट ज्यादा लग रही क्या? उसने कहा नहीं महाराज, मुझे कुल्हाड़ी की चोट तो सहन हो रही है, पर तू इतना चिल्ला क्यों रहा है कटने पर? उस वृक्ष ने बहुत प्यारी बात कही, वही मैं संपूर्ण जितने लोग लाइव देख रहे हैं जो सुन रहे हैं साधु संतों को भक्तों को श्रावकों को जैन समाज को बोल रहा हूं, उस वृक्ष ने कहा मुझे कुल्हाड़ी की मार का दर्द नहीं हो रहा है,
तो फिर तू चीख चिल्ला क्यों रहा है? उस वृक्ष ने कहा, गुरुदेव जो इस कुल्हाड़ी में जो लकड़ा लगा है, लकड़ा मेरे इसी पेड़ की डाल का लगा है। यदि ये लकड़ा इस कुल्हाड़ी में नहीं लगा होता तो कुल्हाड़ी की औकात नहीं थी कि वो मुझे काट देती। संस्कृति को, सभ्यता को, पूरे पूरी धर्म को चलाने का ठेका साधुओं ने नहीं लेके रखा है कि साधु चलाएंगे तो संस्कृति चलेगी। बंधुओं ऐसा नहीं, वहां पे कहा है कि धर्म का रथ है, एक तरफ साधु ने अपना कंधा लगाया है, दूसरी तरफ शावक ने भी अपना कंधा लगाया है। जब हम तुम्हारे कान पकड़ लेते हैं, तुम भी कभी हमारे कान पकड़ो। चल्ली ने एक महिला कुएं पे पानी भरने के लिए गई। चल्ली ने कहा, देख ए बहन, मटकी से पानी, वो पानी भर रही थी, बाल्टी से पानी खींच रही थी, उसकी बाल्टी में एक छेद था। चल्ली ने कहा, देख तेरी बाल्टी में छेद, उससे पानी निकल रहा है। बाल्टी ने कहा, बहन मेरे अंदर तो एक ही छेद है, तेरे अंदर तो छेद ही छेद है, खुद के छेद नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसको बाल्टी का एक छेद दिखाई दे रहा है। कभी तुम भी हमसे कहो, महाराज ठीक नहीं है, इसको सुधारिए, अच्छे से बोलो, व्यवहार है। कभी तुम भी हमसे कहो, महाराज ठीक नहीं है, इसको सुधारिए, अच्छे से बोलो, व्यवहार है। क्योंकि धर्म का रथ खींचना है, अहिंसा का रथ खींचना है, तो हम आपको सुधारेंगे। आप भी हमारी गलती देखिए, डंके की चोट में आपके चरित्र पे कोई दूषण नहीं उठा रहा है, लेकिन यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना कथनीयम, वो लोक विरुद्ध है कि नष्ट चारित्र वाले की वंदना करने के लिए साफ साफ जैन धर्म में मना किया गया है। बंधु उस नष्ट चारित्र की व्याख्याएं वे जो साधु भगवंत का रूप धार करके लोग घूम रहे हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते। हमारे इस दिगंबर संप्रदाय को खत्म करने वाले कुछ तथा कथित कुएं का पानी छान के पीने वाले साधु संत हैं, जो पानी छान के पीने से मोक्ष नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, कितना ही कुएं का पानी पी लो, मर के मेंढक ही बनोगे। यदि कुएं का पानी पीने से मोक्ष मिलता, यदि कुएं का पानी पीने से मोक्ष मिलता तो सारे मेंढक मछलियां मोक्ष में जाके बैठ गए होते। पानी, कुएं का पानी पीने से मोक्ष नहीं मिलता है, पानी छान के पीने के साथ जब तुम विचारों को छान के पियोगे तो ही मोक्ष मिलेगा। अन्यथा कितना ही कुएं का पानी छान के पियो, मर के मेंढक बनोगे, फिर वहां भी टर 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 करोगे, वहां भी मुक्ति होने वाली नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा। तुम हमें सुधारने वाले होते कौन हो? दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, कुछ कुछ तो पागल जैन साधु भी हैं जो ऐसे काम करवाते हैं। उनका हमारा साहब, हमारे वहां तो एक मंदिर मार्गी आचार्य भगवंत ने एक कब्र बनाई है, उसको वो महिमा मंडित कर रहे हैं। कहते हैं कि वीक में एक दिन वहां जाना चाहिए, हरी चद्दर चढ़ानी चाहिए, लॉन्ग वह कहते हैं क्या कहते हैं लो दशांग धूप वगैरह करना चाहिए। वहां बोर्ड लगा है, पूरी प्रॉपर्टी जैन समाज की है, और अंदर बनाई है, एक मकबरा बनाया है, कब्रिस्तान बनाया है, कब्र बनाई है, उसकी पूजा हो रही है, और वो आचार्य भगवंत हैं, श्वेतांबर मूर्ति पूजक, उनके उपदेश से बनी है। समाज का कोई आदमी बोल दे तो कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या एक आचार्य की भाषा है? आपने पंजाब के विषय में जो टिप्पणी दी कि वहां पर तो एक जैनाचार्य ने जैनों की भूमि पर मकबरा कब्रगाह बनाई, आचार्य भगवंत का नाम प्रस्तुत करें, वो स्थान प्रस्तुत करें, तो आपकी कुछ प्रामाणिकता भी लगती। बिल्कुल अप्रामाणिक झूठ है, और आपके अप्रामाणिक झूठ के कारण से, और मैं मानता हूं बिना सोचे बिना समझे पंजाब की साधुओं को आपने जो बदनामी एक प्रकार से करने की कोशिश की है, माना कि आपका उद्देश्य नहीं होगा, परंतु जो उसका परिणाम है वो बहुत बड़ा गलत कदम है आपका,
और इसको मैं नोट्स करता हूं कि और इस कदम से सामुदायिक जो एक सौहार्द वो उसको बिगाड़ने में आपकी भूमिका मैं मानता हूं। दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं, कृपया पंजाब के विषय में दूसरा कोई भी विषय आप लें, कुछ भी बोलें, वह आपकी मर्जी, वह आपकी इच्छा पर निर्भर है, उस विषय में मुझको कुछ कहना नहीं, परंतु आप ये मान करके चले कि यदि आप पंजाब के विषय में ऐसी कोई भी टिप्पणी देते हैं तो ये नहीं है कि आपने बोला और हम स्वीकार कर लें और दुनिया में एक झूठ चलाएं, वो मेरी मानसिकता नहीं है। इतना आप ध्यान रखें और उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा सार्वजनिक रूप से। आपने सीधा हमसे बिना पूछे जो टिप्पणी दे दी, अच्छा होता पहले पूछते। आपने टिप्पणी दी इसीलिए मुझे आपसे पूछे गए सवाल सार्वजनिक करने पड़ रहे हैं, नहीं तो मैं सार्वजनिक करता भी नहीं। मुझको सामुदायिक संस्कार इस तरीके के भाषा के प्रयोग के नहीं मिले हैं। मैं परमात्मा महावीर स्वामी जी का सुवाक्य शुद्धि कि साधु को कैसे वचन बोलने चाहिए आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बताने की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूं, परंतु थोड़ा सा हो सके अध्ययन कर ले तो आगे से ऐसी गलतियां करने में आप सावचेत रह सकेंगे। यह भी आपसे निवेदन है और मैं आपके माध्यम से पूरी की पूरी जैन समाज को, जैन आचार्यों को, जैन उपाध्याय भगवंतों को, जैन पन्यास और मुनि भगवंतों को, जैन समाज के हर एक आदमी को, सामान्य से भी सामान्य जन समाज को, व्यक्ति व्यक्ति को आमंत्रण देता हूं पंजाब में आए, कोई भी ऐसा जैन स्थान बतलाएं जहां पर कि कहीं पर भी कोई कब्र या मकबरा, जो आपने कहा है ना, आप भी आकर के बताएं, देखें, गांव गांव जाएं, घर घर जाएं, बताएं। कृपया भाषा की विवेक साधु से श्रावक सीखे तो अच्छा, परंतु अब आपको मुझे इस विषय में कुछ कहना नहीं है, आप बड़े व्याख्याता आचार्य हैं, परंतु यह समझ करके चले कि महाराज पंजाब के विषय में किसी भी प्रकार की टिप्पणी देने के पहले आपको सोचते रहना चाहिए, फिर कुछ पूछे और फिर पूछना चाहिए, नहीं तो इस रीति से एक सामुदायिक संबंध पर बहुत खराब असर पड़ेगा और इसकी शुरुआत आपने की है यह मैं मानता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी अगर कुछ गलत लगा हो और इसको सार्वजनिक करूंगा, यह भी आपको ख्याल रहे, क्योंकि आपने सार्वजनिक करने का एक गलत कदम उठाया है, मैं गलत कदम नहीं उठा रहा हूं आपके बाद, ताकि आप लोग कितना मिथ्या प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका उत्तर तो देना मैं मुनासिब समझता हूं, मेरा कर्तव्य है।